Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. बिहार में सत्ताधारी जनता दल यूनाइटेड के एक दबंग विधायक एमएलए पर राष्ट्रीय जनता दल के एक नेता के माता पिता व भाई के तिहरे हत्याकांड का आरोप लगा है। घटना में आरजेडी नेता को भी गोली लगी है, जिनकी हालत गंभीर है। घटना को लेकर अब बिहार की सियासत गर्मा गई है। जनता दल यूनाइटेड के विधायक ने घटना में संलिप्तता से इनकार किया है और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर उन्हें बचाने का आरोप लगाते हुए 2 दिनों में उनकी गिरफ्तारी की मांग कर दी है। विदित हो कि रविवार को गोपालगंज के हथुआ थाना क्षेत्र के रूपनचक गांव में आरजेडी नेता जेपी यादव अपने घर में स्वजनों के साथ थे। इसी बीच बाइक पर सवार अपराधियों ने आकर पूरे परिवार पर अंधाधुंध गोलीबारी की। घटना में आरजेडी नेता का माता पिता मौके पर ही मारे गए, जबकि आरजेडी नेता व उनके भाई बुरी तरह घायल हो गए। बाद में भाई की मौत भी हो गई। आरजेडी नेता का इलाज पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल में चल रहा है। वहीं तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार पर निशाना साधा है और उन्होंने कहा है कि अगर गोपालगंज मामले में अगर एमएलए की गिरफ्तारी नहीं होती है तो हम सारे विधायकों के साथ गोपालगंज पहुंच जाएंगे और देखेंगे कि हमें वहां जाने से कौन रोकता है। मुख्यमंत्री पर निशाना साधते हुए तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा और आइए देखते हैं। जो घायल है, जिसके परिवार के 3 लोगों की हत्या होगी, ये उसने बोला है। अभी तक जो है उस जनता दल यूनाइटेड के विधायक नीतीश कुमार जी के चहेते विधायक अमरेंद्र पांडे की गिरफ्तारी नहीं हुई है और कल वो व्यक्ति प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नीतीश कुमार जी के इशारे पे विपक्ष को धमकाने की कोशिश कर रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उसने कहा है कि दिल्ली से पटना ईंट से ईंट बजा देंगे। मतलब ये धमकी किसको दे रहे हैं? और सरकार जो है, पुलिस जो है, उनकी हिम्मत नहीं हो पा रही कि उस विधायक की गिरफ्तारी करता। बिहार में जो कहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी कि हम ना फंसाते हैं ना बचाते, हम आदरणीय मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहते हैं, वो ये बताएं कि आपके चहेते विधायक पे कोई एक आईपीसी धारा है जो नहीं लगा है? उनकी जो छवि है वो आप कह सकते हैं क्राइम को लगातार जो है बढ़ावा देने का काम किया। कुछ दिन पहले ही अपहरण का जो मामला आया था, कोई भी एक आईपीसी सेक्शन नहीं लगा। और जो है सरकार जो है पूरी तरीके से नीतीश कुमार जी बताएं कि उनको बचाने का काम किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है। ये भद्दी मजाक है। नजरबंद आपने घर पे कर रखा है और आप कहते हैं कि सरकार जो है बचाने का काम नहीं करेगी। इतनी धाराएं उन पे लगी हैं, इस सरकार ने सारे धाराओं को खत्म कराने का काम कर ली है जो उस पे लगा था, उस विधायक पर। ऐसे लोग जो हमको चुनौती दे रहे हैं, और देखिए हम तो सारे नियमों कायदों को मानने वाले लोग हैं। लॉकडाउन जो है, लॉकडाउन इसलिए किया गया है ताकि लोगों की जान बचाई जाए, लेकिन जनता दल यूनाइटेड के विधायक जो है नरसंहार करके लोगों की हत्या करवा रहे हैं, ढूंढ रहे हैं। तो लॉकडाउन के आड़ में काफी जो है अपराध का जो मामला है काफी बढ़ोतरी हुई है और हम लोगों को चैलेंज कर रहे हैं। हम लोगों ने सरकार के लोगों को, प्रशासन को, पुलिस को हमने बोला था कोई बड़ी बात नहीं, पता नहीं है प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या हो रहा है, जाके पकड़ लो। और जो चुनौती वो देने का काम कर रहे हैं नीतीश जी के सहारे पे, हम उनसे कहना चाहते हैं सरकार के लोगों से कि हमने 2 दिन का वक्त दिया था, 2 दिन का समय दिया था कि विधायक को गिरफ्तार किया जाए, और कल शाम तक अगर विधायक गिरफ्तार नहीं होता है तो हम हमारे पार्टी के सभी विधायक जो हैं पटना से गोपालगंज जाने का काम करेंगे और सोशल डिस्टेंसिंग जो है उसका हम लोग पालन भी करेंगे। ये हम लोग सरकार को लोगों से कहना चाहते हैं कि नज़रबंदी का जो ये खेल कर रहे हैं, ये जो बचाने का जो खेल कर रहे हैं आदरणीय मुख्यमंत्री के इशारे पे, ये चलने वाला नहीं। तो उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। और लगातार बिहार में जो है जब से लॉकडाउन आया है, लॉकडाउन के आड़ में अपराध का ग्राफ जो है हद से ज़्यादा जो है बढ़ा है।
हम लोगों ने 2 महीने लगातार जो है सरकार के दिशा निर्देशों का पालन किया, लेकिन सरकार जो है एक तरह से लगता है कि अपराधियों के लिए लॉकडाउन नहीं बल्कि उनको पूरी आज़ादी है लॉकडाउन का मजाक उड़ाने का, कानून व्यवस्था का मजाक उड़ाने का। तो एक जिम्मेदार विपक्ष होने के नाते अगर जन अधिकार पे खतरा हो, अगर जन सुरक्षा पे खतरा हो, तो हम लोग घरों में बैठेंगे नहीं बल्कि जनता के प्रति जनता के साथ रह करके उनकी आवाज को बुलंद करेंगे और संघर्ष करेंगे। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.